तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 का रिवीजन करेंगे। नेम ऑफ द चैप्टर इज क्वाड्रिलेटरल्स। तो पहले मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, फटाफट। फोर साइड क्लोज फिगर, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इट इज अ फोर साइड क्लोज फिगर। एक फोर साइड क्लोज फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूं तो सबसे स्पेशल केस जो क्वाड्रिलेटरल का होता है वो होता है एक पैरेललोग्राम का। हमने पढ़ा था yes. क्या होता है पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम में हमने ये पढ़ा था कि पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स, ये क्या होते हैं आपके, ये इक्वल होते हैं। फिर पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल कैसे बनता है? अगर पैरेललोग्राम का वन एंगल वो 90 डिग्री हो जाए तो आप क्या कहोगे, वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल से स्क्वायर कैसे बनेगा? अगर इसकी एडजेसेंट साइड रेक्टेंगल की, अगर एडजेसेंट साइड्स क्या हो जाए, अगर रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए, अगर रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो आप क्या कहोगे, ये स्क्वायर है। ये बात हमने पढ़ी थी, ठीक है। इसी तरह से पैरेललोग्राम से रोम्बस कैसे बनेगा, रोम्बस कैसे बनेगा कि अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि बेसिकली ये जो एक्सरसाइज 8.1 है उसमें आपको फिगर्स को ही प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम की बना रेक्टेंगल प्रूव करो, रेक्टेंगल है तो स्क्वायर प्रूव करो, पैरेललोग्राम है तो रोम्बस प्रूव करो। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 इज, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। शो क्या करना है हमें, रेक्टेंगल। जो फिगर शो करनी होती है वही आपको बनानी होती है। मैंने आपको पहले भी कहा था, जो फिगर आपको शो करनी है वही आपको शो करना है, रेक्टेंगल। तो आप एक रेक्टेंगल ही बनाओगे। तो ये आपने एक रेक्टेंगल बना दिया, ये आपने क्या बना दिया, रेक्टेंगल, दैट इज ए बी सी और डी। अब अगर मैं गिवन की बात करता हूं, व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, इसका मतलब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये बात समझ में आ रही है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और आपको कहा जा रहा है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसका मतलब इसके जो डायगोनल्स है वो इक्वल है, इसके जो डायगोनल्स है वो क्या है, इक्वल। तो आप कहोगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी, इन विच डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है रेक्टेंगल है। टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये आपको प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अब ध्यान से सुनना और ध्यान से, जहाँ डाउट होगा वहाँ साथ साथ में क्लैरिफाई कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जब आप प्रूफ करोगे, नाउ वी विल स्टार्ट अवर प्रूफ। मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ ए बी सी, तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कहना ही सही, ए बी सी। तो अगर आप ए बी सी में देखो तो देखो ए बी क्या है, कॉमन साइड। ए बी सी में भी ए बी है और ए बी डी में भी ए बी है, तो पहला चीज तो क्या हो गया, ए बी कॉमन है। तो आप क्या कहोगे, ए बी इज इक्वल टू ए बी, तो रीजन कॉमन, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज हम क्या कह सकते हैं, डायगोनल्स ए सी इज इक्वल टू दिस, तो आपको गिवन नहीं है। इसके अलावा ए बी से आगे जाता हूं तो बी सी ए डी के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो आपने कहा बी सी, ए बी सी से क्या हो गया, बी सी इज इक्वल टू ए डी, रीजन अपोजिट साइड, ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन में गिवन है, ए बी सी में हो गया आपका ए सी और बी डी इक्वल है, ए सी किसके इक्वल है, बी डी के, तो आपका हो गया ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये आपको क्या गिवन है, ये आपको क्या गिवन। जैसी ये चीज इक्वल होगी तो आप क्या कहोगे, विच इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी।
रीजन क्या होगा, बाय एस एस एस। ये क्लियर हो गया। अब देखो, अब जो चीज कह रहा हूं उसको ध्यान से देखना। ट्राइंगल एबीसी में एक एंगल दिखाई दे रहा है मुझे, एंगल एबीसी, और ट्राइंगल एबीडी में इसी तरह से एंगल, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखना हो तो वो हो गया एंगल ए। अगर मैं इसको एंगल वन ले लेता हूं और इसको एंगल क्या ले लेता हूं, टू, ये एंगल वन और एंगल टू, तो कैन आई से दैट हियर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। अब जो आप चेंजेस करो पहले फिगर में दिखाने, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, रीजन क्या हो जाएगा, सी पी सी टी। नाउ देखो, जो आपका ये ए डी है वो बी सी के क्या है, पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम है। ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज, वेरी गुड, ए बी इज ट्रांसवर्सल, ए बी इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल टू प्लस एंगल वन या एंगल वन प्लस एंगल टू किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के, को इंटीरियर एंगल, क्या होगा, को इंटीरियर एंगल्स। अब 2 1 के इक्वल है, इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, वाई, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, विच इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री एंड विच इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री, therefore ABCD is a rectangle, therefore ABCD is a rectangle। तो जो भी फिगर आपको प्रूव करनी है पहले प्रॉपर्टी आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि पैरेललोग्राम गिवन है तो रेक्टेंगल में कैसे जाओगे, बस एक एंगल 90 डिग्री दिखाना। क्लियर हो गया क्वेश्चन, चले आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो गिवन फिगर क्या है, आपकी स्क्वायर है, तो पहले मैं एक स्क्वायर बना लेता हूं, दिस इज द स्क्वायर, ए बी सी एंड डी, और ये इसके क्या हो गए, डायगोनल हो गए, ए सी एंड बी डी। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको, शो दैट डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, तो पहले गिवन क्या है, गिवन है आपको ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। What has been given? ABCD is a square. अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। अब देखो यहां पर आपको तीन चीजें प्रूफ करनी है, फर्स्ट डायगनल्स आर इक्वल, फर्स्टली क्या प्रूफ करना है कि डायगनल AC जो है, डायगनल AC जो है आपका, वो डायगनल BD के इक्वल होना चाहिए, वो डायगनल BD के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फिर आपको प्रूफ करना है बाइसेक्ट, तो आपको क्या प्रूफ करना है, अगर मैं इसको, ये ऊपर है, मान लो इंटरसेक्ट किस पर कर रहा है, ऊपर, तो बाइसेक्ट का मतलब आपको प्रूफ करना है कि OA जो होगा OC के इक्वल होना चाहिए एंड OB जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, OD के। यानी कि आप ये क्या प्रूफ कर रहे हो, दैट इज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। एक तो ये हमें प्रूफ करना है, और थर्डली आपको प्रूफ करना है कि डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, एट राइट एंगल। ये तीन चीजें आपको प्रूफ करनी है, ये तीन चीजें आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। इतनी बात समझ में आ रही है। मैं प्रूफ करना डायगनल ए सी इक्वल टू डायगनल बी डी। ध्यान से देखो, डायगनल ए सी, तो ये पूरा ट्राइंगल इसमें आएगा ए सी, डायगनल बी डी इस पूरे ट्राइंगल में आएगा। तो यहां पर आप दो ट्राइंगल कंसीडर करोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। सबसे पहले मैं बोल सकता हूं आपको कि जो ए बी है वो ए बी के इक्वल होगा, कॉमन साइड है। दूसरी बात मैं आपको क्या कह सकता हूं कि जो बी सी है आपका वो इसके इक्वल होगा, ये हो गया। अब देखो इसमें ऑर्डर वाइज कैसे चलोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी इज इक्वल टू ए बी, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी इज इक्वल टू ए बी, वाई कॉमन, ये हो गया आपका कॉमन। अब फिर से देखो जो बात मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था, ए बी सी में एंगल आ रहा है आपका ये, सही एंगल वन, और ए बी डी में यही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा आपका टू। अब स्क्वायर के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, स्क्वायर के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री।
तो मैं यहां पे बोल सकता हूं एबीसी में से अगर मैं लेता हूं फ्रॉम एबीसी आई एम टेकिंग एंगल वन, तो यहां से हो जाएगा एंगल टू, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। रीजन क्या है? ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके अलावा क्या होगा आपका? अब एबीसी में क्या हो जाएगा? बीसी, और यहां से क्या होगा? एडी। तो ये हो जाएगा बीसी इक्वल टू एडी। रीजन बिकॉज साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो आपने प्रूफ कर दिया विच इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। साइड एंगल साइड, ऑर्डर का ध्यान रखना है हमें, साइड एंगल साइड, ये बात समझ में आ रही है? साइड एंगल साइड। अब जैसे ये प्रूफ हो गया, कैन आई से दैट विच इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू बी डी, पार्ट वन प्रूफ, पार्ट वन आपका क्या हो गया? प्रूफ्ड हो गया पार्ट वन प्रूफ। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट वन हो गया। अब हम आते हैं डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखो, आपको प्रूफ करना है OA जो है OC के इक्वल, अब ध्यान से देखना, और आपको प्रूफ करना है जो OB है वो OD। अब देखो, ये कौन कौन सी साइड इन्वॉल्व हो रही है? एक तो OAB, और कौन सा ट्राइंगल है? ODC या OCD। तो मैंने यहां पर कंसीडर किया पार्ट टू के लिए इन ट्राइंगल, पार्ट टू के लिए मैं कंसीडर कर रहा हूं इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी। ओ ए बी ले लिया, और यहां से क्या ले लिया? ओ सी डी। अब ध्यान से देखना, मैं इसको ले रहा हूं एंगल थ्री, तो ये हो गया एंगल फोर। इसको ले रहा हूं एंगल फाइव, ये हो गया एंगल सिक्स। नहीं, ये फाइव है, ये ऑलरेडी वन है। तो इसको ले रहा हूं एंगल थ्री, एंगल फोर, ये फाइव है, और ये आपका क्या हो गया? वन। ये ऑलरेडी वन है आपका। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, कैन आई से दैट एंगल फाइव जो एंगल वन के इक्वल होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, कैन आई से दैट हेयर सी डी इज पैरेलल टू ए बी, सी डी इज पैरेलल टू ए बी, एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल, एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल। एग्री करते हो? एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फाइव, तो क्या हो जाएगा? एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फाइव। पहले ये ट्राइंगल है, तो इसका एंगल ये, और इस ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया फाइव, तो एंगल वन इक्वल टू एंगल फाइव। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वेरी गुड। उसके बाद ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी। रीजन क्या होगा? यही स्टार, ये स्टार लगा है क्योंकि बार बार अगर यही आ रहा है तो इसको स्टार लगा के लिख दो कि यही वाला रीजन है। ठीक है, उसके बाद इस ट्राइंगल में से हो गया एंगल थ्री, तो यहाँ से क्या हो गया? एंगल फोर, तो एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्राइंगल है हमारा ओ ए बी, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ सी डी के। रीजन क्या होगा? एंगल देखो, एंगल इसके साथ साइड, फिर ये एंगल, तो रीजन क्या हो गया? एंगल साइड एंगल। कोई डाउट है तो बताओ, क्या इतनी बात समझ में आ गई? एंगल साइड एंगल। और अगर ऐसा है तो अब मैं बोल सकता हूँ ओ ए जो है ओ सी के इक्वल होगा, विच इंप्लाइज ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी बाय सी पी सी टी बाय सी पी सी टी। तो ये आपका प्रूफ हो गया पार्ट टू, कि आपने क्या प्रूफ कर दिया? दैट इज डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये हमारा पार्ट टू प्रूफ हो गया। थ्री, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये आपको प्रूफ करना। अब देखो, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, इसके लिए हम कंसीडर करेंगे ए ओ डी। पार्ट थ्री के लिए हम कंसीडर करेंगे इन ट्राइंगल ए ओ डी, ए ओ डी एंड ट्राइंगल डी ओ सी या सी ओ डी, जैसे भी लिखना है आपको। यहाँ पर एक एंगल और चाहिए आपको, वो हो गया एंगल सिक्स। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही भी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो देखो, कैन आई से दैट, देखो ओ ए किसके इक्वल होगा? ओ सी के। ओ ए किसके इक्वल होगा? ओ सी के। या फिर आप ऐसे शुरुआत कर सकते हो कि ए डी जो है आपका वो किसके इक्वल होगा? सी डी के। तो आपने यहाँ से ले लिया ए डी, और यहाँ से ले लिया आपने डी सी। ए डी इज इक्वल टू डी सी। रीजन वही स्टार, यही वाला कि साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, तो सारी साइड इक्वल है। दूसरा रीजन क्या होगा? ओ ए इज इक्वल टू ओ सी।
OA इक्वल टू OC, ये भी आपने प्रूफ किया है, तो क्या लिखोगे? प्रूव्ड, प्रूव्ड अबव, ये भी क्लियर हो गया। तीसरा रीजन क्या होगा? OD जो आपकी कॉमन साइड है, तो OD इक्वल टू OD, इसमें क्या आ जाएगा? कॉमन, तो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, रीजन साइड 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 बाय CPCT, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों, तो कैन आई से दैट नाउ एंगल 6 विल बी इक्वल टू एंगल 4, रीजन एंगल 6 विल बी इक्वल टू एंगल 4, रीजन क्या होगा? CPCT, रीजन क्या होगा? CPCT। अच्छा, एंगल 6 और एंगल 4 इसके बीच में ये भी तो रिलेशन है, हेयर एंगल 6 प्लस एंगल 4 क्या होगा? 180 डिग्री, रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर, रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। 6 और 4 इक्वल है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ? एंगल 6 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4। और अगर ऐसा है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 बाय 2, दैट इज 90 डिग्री। तो ये एंगल 90, ये इसके इक्वल 90, सारे एंगल, एक एंगल प्रूव होती, सारे 90 हो गए। वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये इसके इक्वल हो जाएगा, 6 4 के इक्वल है तो 4 भी 90, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी 90, बस एक ही प्रूफ करना है। जैसे ये प्रूफ हो गया तो आपने क्या प्रूफ कर दिया? दैट इज डायगनल, डायगनल बाइसेक्ट, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, एट राइट एंगल। और ये हमारा पार्ट 3 प्रूफ, और ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज डायगनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। तो पहले तो मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं, एज पर क्वेश्चन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये D। डायगनल AC, तो ये हो गया डायगनल AC। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन? ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, विच बाइसेक्ट, विच बाइसेक्ट्स एंगल A। अब देखो, अगर मैं इसको एंगल 1 लेता हूँ और इसको एंगल 2, तो इसका मतलब ये होना, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आते हैं शो दैट, व्हाट वी हैव टू शो, टू शो। फर्स्टली आपको शो करना है दैट इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, तो हमें शो करना है इट बाइसेक्ट एंगल C। तो पहले फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं, तो आपको प्रूफ करना है, चलो पूरा लिख लेते हैं, इट बाइसेक्ट एंगल C। और पार्ट टू में क्या प्रूफ करना है हमें? ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस। तो देखो, अगर मैं इसको एंगल 3 लेता हूँ और इसको एंगल 4 लेता हूँ, तो अगर ये डायगनल जो है, ये डायगनल कौन सा? डायगनल AC। इट बाइसेक्ट एंगल C का मतलब यही है कि ये जो डायगनल AC है वो एंगल C को भी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। बल्कि मैं इसको और क्लियर करके लिख देता हूँ कि डायगनल AC, हमें प्रूफ करना है कि डायगनल AC जो है वो एंगल C को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। दैट इज, अब फिगर के हिसाब से बात करूं तो मुझे प्रूफ करना है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखो, कैन आई से दैट AB इज पैरेलल टू CD? अब मैं यहां पे प्रूफ पर आ रहा हूं, हेयर AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD एंड AC इज ट्रांसवर्सल, एंड AC इज ट्रांसवर्सल। इसका मतलब क्या हुआ? विच इंप्लाइज एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के होना चाहिए। एंड और क्या होगा? एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या गिवन है? ऑल्सो
एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये हो गया थ्री। अब ध्यान से देखना, वन टू के इक्वल, टू थ्री के इक्वल, टू किसके इक्वल है थ्री के, और वन फोर के भी इक्वल है, तो वन की जगह यहाँ फोर लिखूँ तो फोर भी टू के इक्वल हो गया, और फिर टू थ्री के इक्वल है, तो ये सारे इक्वल हो गए। तो आपका हो गया फ्रॉम वन टू एंड थ्री, फ्रॉम वन टू एंड थ्री, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री, एंड एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो जैसे आपने प्रूफ कर दिया तो क्या प्रूफ हो गया कि एंगल थ्री एंगल फोर के इक्वल है, विच इम्प्लाइज एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर की, जो हमारा एंगल थ्री है वो एंगल फोर के इक्वल हो रहा है। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया, दैट इज पार्ट वन प्रूफ्ड, दैट इज पार्ट वन प्रूफ्ड। तो ये प्रूफ हो गया। अब पैरेललोग्राम को रोम्बस कैसे प्रूव कर सकते हो? पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से इक्वल प्रूफ करनी है। क्या प्रूफ करनी है? एडजेसेंट साइड। अब ध्यान से देखो, नाउ मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल वन एंगल थ्री के इक्वल है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। और अगर ऐसा है किसी भी ट्राइंगल के अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। चैप्टर सेवन में पढ़ा था विच इम्प्लाइज ए बी जो है आपका वो किसके इक्वल होगा, बी सी के। वाई साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये बात समझ में आ रही है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। चलो जी, जैसे आपने प्रूफ कर दिया ए बी किसके इक्वल है, बी सी के, तो आपने क्या प्रूफ कर दिया, दैट इज एडजेसेंट साइड्स, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स का मतलब इसके साथ वाली साइड, और ये होती है अपोजिट साइड। जैसे ए डी के एडजेसेंट क्या होगा, डी सी, या ए डी के एडजेसेंट ए बी, दैट इज एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर इक्वल, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो ये आपका क्या हो गया, दैट इज पार्ट टू प्रूफ्ड, दैट इज पार्ट टू प्रूफ्ड। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, तेरे यहाँ तक, दैट इज पार्ट टू प्रूफ। तो ये आपका पार्ट टू भी प्रूफ और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, शो दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अब शो क्या करना है आपको, स्क्वायर है तो क्या बनाओगे, square. जो चीज आपको शो करनी है वही शेप बनानी है आपको, तो आपने क्या बना दिया, ये स्क्वायर, ये हो गया ए बी सी डी। आपको कहा जा रहा डायगनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, तो ये हो गया डायगनल ए सी, इसको ले लेते हैं वन, ये हो गया आपका टू, ये हो गया थ्री, और ये क्या हो गया फोर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन, गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर आगे क्या है, इन विच डायगनल ए सी, इन विच, इन विच डायगनल ए सी बाइसेक्ट्स, डायगनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, दैट इज वन इज एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंड एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। ये बात समझ में आ गया, व्हाट वी हैव टू शो, टू शो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो फर्स्टली आपको शो करना है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। फिर क्या शो करना है आपको, डायगनल बी डी, डायगनल डायगनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, एज वेल एज एंगल डी। क्या इतनी कहानी से क्लियर हो गई, ठीक है। चलो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रूव करना है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। रेक्टेंगल को कैसे स्क्वायर प्रूव कर सकते हैं,
एक रेक्टेंगल कब स्क्वायर होता है? भाई रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री तो होते ही है, डायगनल्स भी इक्वल होते हैं, बस दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि इसकी सारी साइड इक्वल होती है। यानी कि अगर मैं इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दूं, क्या दिखा दूं? एडजेसेंट साइड, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, स्क्वायर है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर मैं दो ट्राइंगल कंसिडर करता हूँ, अब आप प्रूफ में फर्स्ट पार्ट में देखो, मैंने दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। कैन आई से दैट ए बी किसके इक्वल होगा? सी डी के। ए बी किसके इक्वल होगा? सी डी के। रीजन, अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। कितनी बात समझ में आ रही है? अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, ए सी कॉमन होगा, ए सी इक्वल टू ए सी, ये क्या हो गया आपका कॉमन, ये क्या हो गया आपका कॉमन। अच्छा, ए बी सी में बी सी आ रहा है तो यहाँ से ले लेते हैं बी सी, और ए डी सी में क्या आ रहा है, ए डी आ रहा है, यहाँ से ले लेते हैं ए डी। यही रीजन होगा तो मैं स्टार लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ए बी सी जो है आपका वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए डी सी के, रीजन एस 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 होगा। और इसका मतलब ये हुआ, विच इम्प्लाई जो ए बी है वो ए डी के इक्वल होना चाहिए, ए बी इज इक्वल टू ए डी, रीजन सी पी सी टी, सी पी सी टी। तो अगर ऐसा है तो आपने क्या प्रूव कर दिया? आपने ये प्रूव कर दिया दैट इज एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी आर इक्वल, आर इक्वल, आर इक्वल, जिससे क्या हो गया, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। भैया स्क्वायर के लिए यही तो होता है, रेक्टेंगल से स्क्वायर में क्या करना होता है, बस एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूफ दिखानी है। तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, कोई डाउट फिर है यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ और ये क्या हो गया, इसको ले लेते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ऑलरेडी 1 2 3 4 लिया था हमने, इसको ले लेते हैं 5 6 7 और 8, 5 6 7 और 8। अब फिर दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे हम, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी। अगेन कैन आई से दैट अब नाउ दैट ए बी जो है आपका वो किसके इक्वल होगा? आप तो सीधा आप कह सकते हो बी सी के, क्योंकि आप तो स्क्वायर प्रूफ कर चुके हो कि ए बी किसके इक्वल होगा, बी सी के। ए बी किसके इक्वल होगा, बी सी के। वाई? बिकॉज साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, साइड्स ऑफ ऑल साइड्स, यहाँ पे बेटर क्या होगा, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, क्योंकि अब तो आपने प्रूव कर दिया कि ये क्या है आपका, स्क्वायर है, ए बी इक्वल टू बी सी। इसके अलावा आप क्या कहोगे, बी डी कॉमन है, बी डी इक्वल टू क्या हो गया, बी डी, ये क्या हो गया आपका कॉमन हो गया। इसके अलावा ए डी किसके इक्वल होगा, ए डी इज इक्वल टू डी सी, ए डी इज इक्वल टू डी सी, रीजन क्या होगा, ये वाला स्टार, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। इससे क्या प्रूफ हो गया कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी, रीजन एस एस एस। और जैसी ये चीज प्रूफ होगी तो क्या प्रूफ हो गया, विच इंप्लाइज एंगल 5 इज इक्वल टू 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये होते हैं, ये नहीं होते हैं, ये इसके साथ है और ये इसके साथ होता है। तो ये क्या हो गया आपका, सी पी सी टी। कोई डाउट है तो बताओ, समझ में आ गया? तो आपने क्या प्रूफ कर दिया, दैट इज पार्ट टू प्रूफ्ड, पार्ट टू प्रूफ्ड। कोई डाउट है तो बताओ, चलें आगे। ठीक है, क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। आपको क्वेश्चन में फिगर गिवन है, कुछ इस तरह से फिगर गिवन है जिसमें यह आपका हो गया ए बी सी डी क्या एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी का एक पैरेललोग्राम है। फिर यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है आपको P और यहाँ पे पॉइंट गिवन है आपको Q। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्वेश्चन में गिवन क्या है, व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, टू पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD सच दैट, इसके अलावा क्या गिवन है, एंड
आपको गिवन है DP, ये वाला जो डिस्टेंस DP है वो किसके इक्वल है, वो BQ के इक्वल है, वो किसके इक्वल है, BQ के इक्वल है। नाउ व्हाट वी हैव टू शो, फर्स्ट पार्ट वी हैव टू शो दैट ट्रायंगल APD, ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, CQB पार्ट टू, पार्ट टू, AP इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ, पार्ट थ्री, ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD, CPD, पार्ट फोर, AQ इज इक्वल टू CP, पार्ट फाइव, APCQ इज पैरेललोग्राम, APCQ इज पैरेललोग्राम। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले हमें प्रूफ करना है APD, APD। देखो ये जो P एंगल है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये जो Q है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला पॉइंट, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये P है और ये वाला पॉइंट क्या है आपका Q। अब इसको प्रूफ करने के लिए देखो APD, APD, तो मैं यहाँ एक एंगल ले रहा हूँ आपका, जो एंगल होगा आपका वन, और यहाँ मैं ले रहा हूँ एक एंगल टू, क्योंकि आपको चाहिए APD और CQB। तो जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है पहले उसको कंसीडर करोगे, तो फर्स्टली आपने, जब मैं प्रूफ स्टार्ट करूँगा तो फर्स्टली मैं कंसीडर करूँगा इन ट्रायंगल व्हाट APD एंड ट्रायंगल CQB, मैंने दो ट्रायंगल कंसीडर कर लिए APD और CQB, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब जो AD है वो BC के इक्वल होना चाहिए, तो AD जो है आपका वो किसके इक्वल होगा, BC के, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पहली बात ये, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके अलावा क्वेश्चन में गिवन है कि जो बी क्यू है आपका वो डी पी के इक्वल है, जो आपका डी पी है वो किसके इक्वल है, बी क्यू के, तो डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये आपको क्या है गिवन है, ये आपको क्या गिवन। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी, रीजन क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, रीजन क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जैसे ये प्रूफ हुआ तो मैं बोल सकता हूँ ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, एंड विच इम्प्लाइज ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, सी पी सी टी, तो कितने पार्ट प्रूफ हो गए, वन और टू। अब हम आते हैं ए क्यू बी और सी पी डी पार्ट, तो ये पार्ट वन हो गया, पार्ट टू मैं यहाँ पे पार्ट नहीं लिख रहा हूँ, तो हमारे दो पार्ट प्रूफ हो गए, ठीक है। एक तो ये चीज़ प्रूफ कर दी आपने, तो जैसे ये चीज़ प्रूफ हुई तो क्या प्रूफ हो गया, पार्ट वन, और जैसे आपने ये प्रूफ किया तो ये हो गया पार्ट टू, दो पार्ट आपके प्रूफ हो गए। नाउ अगेन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी, इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी, इतनी बात समझ में आ रही है, एंड ट्रायंगल सी पी डी। अब देखो जी, अब देखो, अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एंगल, देखो ए पी डी, ए क्यू बी, ए क्यू बी ये वाला एंगल हो गया, तो यहाँ आप ले लो एंगल थ्री, सी पी डी ये वाला एंगल हो गया, इसको ले लो एंगल फोर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कहोगे, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, आपने कहा ए बी इज इक्वल टू सी डी, रीजन ये जो आपका ये पॉइंट है इस पर स्टार लगा लेते हैं, तो रीजन क्या हो जाएगा आपका, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसके बाद एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद क्या होगा आपका, अगेन ए क्यू बी में से हो जाएगा बी क्यू, और यहाँ से हो जाएगा डी पी, ये आपको क्वेश्चन में क्या है गिवन है, ये आपको क्वेश्चन में क्या है गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ विच इम्प्लाइज ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी, रीजन साइड एंगल साइड, रीजन क्या हो गया, साइड एंगल
साइड, और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज ए क्यू, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा ए क्यू और यहाँ से क्या हो जाएगा सी पी, विच इम्प्लाइज ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ये क्या हो गया आपका सी पी सी टी, ये क्या हो गया आपका सी पी सी टी, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो बिकॉज ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, देखो ए पी जो है आपका वो सी क्यू के इक्वल है, बिकॉज इन क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू, बिकॉज इन क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू, ये जो एक क्वाड्रिलेटरल है इसमें हमारा ए पी सी क्यू के इक्वल है एंड ए क्यू सी पी के इक्वल है, ए क्यू किसके इक्वल है सी पी के, देयर फोर अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट साइड क्या है इक्वल, देयर फोर ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, तो सारे पार्ट्स प्रूफ हो गए, हैंस प्रूफ्ड, कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स सेज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी, देखो ये आपकी गिवन फिगर है, दिस इज द गिवन फिगर, व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन, दैट ए पी ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है आपका, फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायगनल बी डी, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, टू प्रूव शो दैट, फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है आपको, ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी एंड इन पार्ट टू व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट ए पी इज इक्वल टू सी क्यू. अब ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है इसको हम कंसीडर करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट में जब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे वी विल कंसीडर ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या एग्री करते हो, अगर ये 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये भी क्या होगा, तो ये भी 90 होगा, अगर ये 90 तो ये भी क्या होगा आपका 90. अब आप ये देखो, अगर मैं इसको एंगल 1 ले लेता हूँ, इसको मैंने ले लिया एंगल 1 और इसको क्या ले लिया एंगल 2, कैन आई से दैट, देखो ए पी बी में एंगल 2 है और सी क्यू डी में क्या है आपका एंगल 1, तो कैन आई से दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2 किसके इक्वल है एंगल 1 के, रीजन क्या हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इसके अलावा आप आगे जाओगे तो फिर क्या होगा, ए बी किसके इक्वल है सी डी के, तो आपने कहा ए बी इज इक्वल टू सी डी, वाई अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अच्छा, इसके अलावा देखो, जो आपका ए पी बी है अगर मैं इसको एंगल 3 लेता हूँ और सी क्यू डी इसको एंगल 4, तो ये भी तो इक्वल है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वाई ईच 90 डिग्री. तो जैसे ही आपने प्रूफ किया तो क्या प्रूफ हो गया, विच इम्प्लाइज ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी, रीजन क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल, एक चीज का ध्यान रखना, ऑर्डर वाइज एंगल के साथ पहले साइड है तो एंगल फिर साइड लेनी है आपको, यानी कि पहले इसको ले लोगे, इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसके साथ ये चीज जुड़ रही है, तो ऑर्डर ऐसे देखा जाता है, तो पहले ये वाला एंगल आएगा, फिर इसके साथ जो साइड जुड़ी हुई है ये आएगी, फिर ये एंगल आएगा, तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, रीजन क्या हो गया, एंगल साइड एंगल. तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, दैट इज पार्ट वन प्रूफ्ड, ये क्लियर हो गया. ठीक है, और जैसे ये प्रूफ हो गया, विच इंप्लाइज ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, रीजन सी पी सी टी,
रीजन क्या हो गया, सीपी सीटी, ये हो गया आपका पार्ट टू प्रूफ्ड, पार्ट टू प्रूफ्ड। तो कहना ही सही दैट हैंस प्रूफ्ड, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, ये तो आपको 100% प्रिपेयर करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम, एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम, तो पहला हम एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं, से दिस इज द ट्रेपीजियम ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, तो ये हो गया एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है। इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो गिवन में क्या लिखूंगा मैं, ए बी सी डी इज अ, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंड और क्या गिवन है, एंड ए डी, ये जो ए डी साइड है ये आपकी बी सी के क्या इक्वल है, एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। फिर आता है टू शो, फर्स्ट पार्ट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, पार्ट टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, पार्ट थ्री, पार्ट थ्री ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी, बी ए डी, पार्ट फोर डायगनल ए सी, डायगनल ए सी इज इक्वल टू डायगनल बी डी। एग्जाम में जो क्वेश्चन है और फिगर जो आएगी वो इतनी पूछी जाती है, वो जो आपको डॉटेड लाइन गिवन है वो आपको हिंट गिवन है, आइडियली जो क्वेश्चन एग्जाम में जो बनता है आपका वो इतना ही बनेगा, यही फिगर गिवन होगी आपको, समझ में आ रहा है। अब आप क्या करोगे सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले आपको क्या करनी है कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हम ए बी को एक्सटेंड कर रहे हैं, हम ए बी को क्या कर रहे हैं एक्सटेंड कर रहे हैं, तो जो कंस्ट्रक्शन और डॉटेड होगी, तो आपने क्या लिखा एक्सटेंड ए बी, एक्सटेंड ए बी टू, आपने क्या कर दिया ए बी को एक्सटेंड कर दिया, ए बी को क्या कर दिया एक्सटेंड कर दिया, एंड थ्रू सी, एंड थ्रू, एंड थ्रू सी, फिर सी से ए डी के मैं एग्जैक्टली पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, एंड थ्रू सी ड्रॉ, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू ए डी, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू ए डी विच इंटरसेक्ट्स, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू ए डी विच इंटरसेक्ट्स, विच इंटरसेक्ट ए बी प्रोड्यूस एट ई, विच इंटरसेक्ट ए बी प्रोड्यूस एट, यानी कि ये जो इसको इंटरसेक्ट करेगी वो किस पॉइंट पर करेगी, ई पॉइंट पर, विच इंटरसेक्ट ए बी प्रोड्यूस एट ई, यानी कि आपने पहले तो इसको एक्सटेंड किया, फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जो इसके पैरेलल थी, जो इसके क्या थी पैरेलल, तो ये जो है इसको आप जो आपने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस का मतलब जो आगे बढ़ाया है, ये इसको इंटरसेक्ट करेगी किस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर, क्या कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई। इसके अलावा, हाँ जी, इसके अलावा आपको प्रूव करना, देखो ए बी सी और डायगनल ए सी, तो डायगनल ए सी बनाना पड़ेगा, तो ये भी कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, और डायगनल बी डी, तो ये भी आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ये भी गिवन नहीं है, आपको सिर्फ ट्रेपीजियम गिवन था, तो आप क्या लिखोगे ज्वाइन ए सी एंड बी डी, ये आपकी पूरी कंस्ट्रक्शन होगी, ये आपकी पूरी क्या होगी कंस्ट्रक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका फर्स्ट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका फर्स्ट पार्ट, आपको प्रूव करना है एंगल ए, यानी कि ये पूरा जो एंगल है वो इसके इक्वल प्रूव करना है आपको, एंगल और बी का मतलब ये है यहां पर। तो देखो जब आप प्रूफ स्टार्ट करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी बी सी सी डी के पैरेलल है, एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब देखो अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूं ए बी सी डी के पैरेलल होना चाहिए, एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी विच इंप्लाइज ए ई इज पैरेलल टू सी डी, वाई, बिकॉज पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस,
बिकॉज पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल. जो पैरेलल लाइंस के पार्ट्स होते हैं, यानी कि अगर ये है तो इसका ये पूरा हिस्सा जो होगा इसका वो भी पैरेलल ही होगा. इतनी बात समझ में आ गई, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल. अब ए सी डी के पैरेलल है एंड सी इज पैरेलल टू ए डी, एंड सी इज पैरेलल टू ए डी. ये क्या है आपका बाय कंस्ट्रक्शन. ये क्या आपका बाय कंस्ट्रक्शन. क्या इतनी बात समझ में आ रही है, बाय कंस्ट्रक्शन. तो ये इसके पैरेलल हो गया और ये इसके पैरेलल हो गया, तो इससे क्या प्रूफ हो गया, विच इंप्लाइज ए डी सी ई, विच इंप्लाइज ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम. और अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल. विच इंप्लाइज ए डी किसके इक्वल होना चाहिए, सी ई के. ए डी किसके इक्वल होना चाहिए, सी ई के. वाई, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जो कि इक्वल होती हैं. एंड ए डी किसके इक्वल है, बी सी के. ए डी किसके इक्वल है, बी सी के. इसको अब ले लो इक्वेशन वन, तो ये होगी इक्वेशन टू. फ्रॉम वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड सेम है, फ्रॉम वन एंड टू सी ई किसके इक्वल होगा बी सी के. नाउ इन ट्राइंगल बी सी ई, देखो मैं इसको एंगल वन ले रहा हूँ, इसको टू ले रहा हूँ, इसको थ्री ले रहा हूँ, इसको फोर ले रहा हूँ. आपने प्रूव कर दिया बी सी इज इक्वल टू सी, बी सी इज इक्वल टू सी. रीजन प्रूव्ड अबव. रीजन क्या हो जाएगा, प्रूव्ड अबव. रीजन क्या हो जाएगा, प्रूव्ड अबव. तो जैसे ये प्रूव हुआ तो आप कह सकते हो कि एंगल थ्री जो है वो एंगल फोर के इक्वल होगा. रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. कितनी बात समझ में आ रही है, एंगल थ्री किसके इक्वल हो गया, एंगल फोर के. ये हो गया वन टू, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर थ्री. ये क्या था आपका वन टू, इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री. ठीक है, नाउ कैन आई से दैट एंगल वन प्लस एंगल फोर इक्वल टू 180 डिग्री. भैया ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में इंटीरियर एंगल है, तो रीजन क्या होगा, को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर. एंड कैन आई से दैट एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 180 डिग्री. ये हो गया आपका लीनियर पेयर. ये हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव. ये हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव. फ्रॉम फोर एंड फाइव, फ्रॉम थ्री फोर, पहले फोर एंड फाइव लिखते हैं. फ्रॉम फोर एंड फाइव राइट हैंड साइड सेम है, तो एंगल वन प्लस एंगल फोर किसके इक्वल होगा, एंगल टू प्लस एंगल थ्री के इक्वल होगा. एंगल टू प्लस एंगल थ्री, अब थ्री किसके इक्वल है, फोर के. तो मैं लिख सकता हूँ एंगल वन प्लस एंगल फोर. मुझे प्रूव करना वन इक्वल टू टू, मुझे वन और टू से मतलब है. तो थ्री की जगह क्या आ जाएगा, फोर. क्यों, बिकॉज थ्री इज इक्वल टू फोर, बिकॉज थ्री इज इक्वल टू फोर. तो फोर से फोर कट गया आपका, तो एंगल वन किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल टू के. दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, पार्ट वन प्रूव्ड. पहले इतनी बात समझ में आ गई. अब हमें प्रूव करना है एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी. अब इसके लिए क्या करोगे, इसको ले लेते हैं एंगल फाइव और इसको ले लेते हैं एंगल सिक्स. नाउ ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल. ए डी इज ट्रांसवर्सल, तो विच इंप्लाइज एंगल वन प्लस एंगल फाइव इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स. ऑल्सो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, विच इंप्लाइज एंगल टू प्लस एंगल सिक्स इक्वल टू 180 डिग्री अगेन को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है. कितनी क्वेश्चन हो गई थी, फाइव तक हो गया था, तो इसको ले लेते हैं सिक्स और ये हो गया सेवन. तो फ्रॉम सिक्स एंड सेवन राइट हैंड साइड 180 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी.
तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 6 होगा। अब देखो 1 किसके इक्वल है, 2 के। 1 किसके इक्वल है, 2 के। तो 1 की जगह मैं 2 लिख सकता हूँ, इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 6। क्यों लिखा है ऐसा, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। तो ये आपने प्रूव कर दिया, दैट इज एंगल D, दैट इज एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। ये हो गया आपका पार्ट 2 प्रूव्ड हो गया, ये हो गया आपका पार्ट 2 प्रूव्ड। अब हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। नाउ वी विल कंसीडर दिस टू ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ये क्लियर है सबको, ठीक है। देखो ABC में भी AB आ रहा है और ABD में भी क्या आ रहा है, AB। तो पहले तो AB किसके इक्वल है, AB के। रीजन क्या हो जाएगा आपका, कॉमन। रीजन क्या हो जाएगा आपका, कॉमन। ये बात समझ में आ गया, AB किसके इक्वल आ रहा है, AB के। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको, कि जो ट्राइंगल ABC है, जैसे मैं इसको ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, ये ABC, इस ट्राइंगल के अंदर जो है आपको ये एंगल दिखाई दे रहा है, और जो आपका ट्राइंगल ABD है, ये वाला ABD। अब जब मैं इस लाइन के इधर जाता हूँ तो यहाँ पर पूरा एंगल आ रहा है 1, जो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, इक्वल है और एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी है। तो ABC की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं कहूँगा एंगल 2, और जब मैं ABD, देखो ध्यान से ABD, इसमें पूरा एंगल होगा 1, तो एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, ये भी हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा आपका, ABC हो गया ना आपका, तो यहाँ पे आपको गिवन है, आपको गिवन है क्वेश्चन में कि जो BC है आपका वो AD के इक्वल है, ये आपको क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। Which implies triangle ABC is congruent to triangle ABD. Reason? Side angle side. Reason क्या है? Side angle side. यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये भी प्रूफ हो गई है, दैट इज पार्ट 3 प्रूफ्ड, दैट इज पार्ट 3 प्रूफ्ड। Which implies, मैं बोल सकता हूँ आपको कि जो AC है वो किसके इक्वल होगा, BD के, बाय CPCT, दैट इज पार्ट 4 प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट। दिस इज फॉर टुडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।